तो कावेरी नदी के पानी पर विवाद ने कर्नाटक और कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु के बीच आग लगा दी है। हंगामा हुआ। हंगामे के बाद बेंगलुरु में 16 थानों में कर्फ्यू, थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। बेंगलुरु पुलिस ने शहर में हालात संभालने के लिए 15,000 अतिरिक्त पुलिस वालों की तैनाती की है और इसके साथ ही 270 होइसल व्हीकल को पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया। KSRP और QRT की टीमों को भी हालात काबू में करने के लिए तैनात किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों से शांति की अपील की। अब से कुछ ही देर बाद आपको जानकारी दे दें कि राज्य के कानून व्यवस्था पर एक बैठक भी होने वाली है और साथ ही में तमिलनाडु की CM जयललिता को चिट्ठी लिखकर वहां पर रह रहे कर्नाटक के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की अपील भी CM सिद्धारमैया ने की। कर्नाटक के मांड्या में आज लोगों ने तमिल अखबारों को आग के हवाले कर दिया। पूरे बेंगलुरु में इस वक्त धारा 144 लागू है, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको दो तस्वीरें हम और दिखाते हैं। कल प्रदर्शनकारियों ने बस डिपो में खड़ी 50 डिपो को आग के हवाले कर दिया था और आज यहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। पूरा डिपो वीरान हो चुका है और आग में जली बसों से अब तक धुआं निकल रहा है। आपको बेंगलुरु में आज के हालात क्या है इसकी जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसेकर की वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है। कावेरी नदी के पानी ने इधर कर्नाटक में और उधर तमिलनाडु में बराबर की आग लगाई है। खास करके बेंगलोर में कल जिस प्रकार से हिंसात्मक घटना देखने को मिली तो आज उसके विपरीत बिल्कुल शांति देखने को मिल रही है। हालांकि 15 या 16 पुलिस स्टेशन में कर्फ्यू ज़रूर लगा है, लेकिन जनजीवन जो है धीरे धीरे अब सामान्य होता जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त हम लोग MG रोड पर है, मेट्रोज भी बंद कर दिए गए हैं और सड़क यातायात बिल्कुल मिनिमम है, बिल्कुल थोड़ा ही है। लोग ज़रूर सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन जो यातायात है, जिस प्रकार से छुट्टी के दिन भी इस जगह पर खास करके ब्रिगेड रोड और MG रोड पे जिस प्रकार की चहल पहल देखने को मिलती है आमतौर पर, वो ज़रूर देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी भी तनाव ज़रूर है बेंगलोर के कई इलाकों में, खास करके मैसूर रोड पर और जो 16 पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी जो है स्थिति अभी भी सामान्य होने को जो है अभी भी बाकी है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री अपने सीनियर पार्टी कोलिग्स के साथ बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी जो आला पुलिस अधिकारी है वो भी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अगर स्थिति सामान्य होती है तो कुछ देर के लिए ज़रूर कर्फ्यू उठा लिया जा सकता है, क्योंकि आज ईद का दिन है, बकरी ईद का दिन है, तो लोग यहाँ पर बाहर आकर के खरीदी कर सकते हैं या फिर बाहर जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगर 16 पुलिस स्टेशन के छोड़ करके अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी एकाध दुक्का गाड़ी या फिर कम यातायात देखने को मिल रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे स्थिति नियंत्रण में आएगी और शांति बहाल होगी। कैमरामैन तारक के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, बेंगलोर। और यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कावेरी नदी से जुड़ा विवाद है क्या, जिसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु में होता है। 802 किलोमीटर लंबी यह नदी तमिलनाडु के 44,000 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक के 32,000 वर्ग किलोमीटर इलाके से होकर गुजरती है। तमिलनाडु का यह कहना है कि उसने कावेरी नदी के किनारे पर 3,00,000 एकड़ यानी कि करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कृषि के लिए विकसित किया है, यानी कि किसानों की खेती के लिए, और इसीलिए तमिलनाडु की कावेरी नदी पर उनकी निर्भरता काफी ज्यादा है क्योंकि पानी की जरूरत उन्हें ज्यादा पड़ेगी। जबकि कर्नाटक का यह कहना है कि कावेरी नदी को लेकर पहले जितने भी समझौते हुए हैं उसमें कर्नाटक का हक मारा गया है। आपको जानकारी दे दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद करीब 135 साल पुराना है। भारत में ब्रिटिश राज के वक्त कर्नाटक प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर के तहत आता था, जबकि तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। कावेरी नदी को लेकर 1892 में प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच एक करार, एक समझौता हुआ। 1910 में मैसूर के राजा नलवड़ी कृष्णराजा वोडियर ने चीफ इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के साथ मिलकर कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मद्रास ने ठुकरा दिया। इसके बाद साल 1924 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर से एक समझौता हुआ, जिसका पालन दोनों राज्य कुछ सालों तक करते रहे। लेकिन 1956 में
भारत के राज्यों को पुनर्गठित किया गया और इस पुनर्गठन के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी का नक्शा बदला गया। इसके बाद कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी आमने सामने आ गए। विवाद को देखते हुए 1970 कावेरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। तमिलनाडु ने बड़े कृषि क्षेत्रों का हवाला दिया, ज्यादा पानी की मांग की, जबकि कर्नाटक ने ब्रिटिश काल में बनाई गई योजनाओं को इसके लिए दोषी ठहराया। ज्यादा बड़ा कृषि क्षेत्र होने की वजह से तमिलनाडु अपने लिए ज्यादा पानी मांग रहा था, लेकिन कर्नाटक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। विवाद का हल न निकलने पर 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। ट्रिब्यूनल ने 16 सालों तक चली सुनवाई के बाद 2007 में अपना फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों के बीच 1892 और 1924 में जो समझौते हुए थे, जो करार हुए थे, उसे सही बताया। ट्रिब्यूनल ने कावेरी नदी का 58% पानी, 58% हिस्सा तमिलनाडु को, तो 37% पानी कर्नाटक को, 4% केरल को और 1% पुडुचेरी को देने का फैसला सुनाया। लेकिन इस फैसले को पूरी तरह से मानने के लिए कभी भी इन चारों में से कोई भी राज्य तैयार नहीं हुआ। जब कभी दक्षिण भारत में इन इलाकों में मानसून की बारिश अच्छी नहीं होती है तो इन राज्यों के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद बढ़ जाता है। पिछले 20 सालों में कई बार सुप्रीम कोर्ट और कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी का विवाद सुलझाने के लिए भी दखल देना पड़ा। बेंगलुरु में हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की तैयारी क्या है, पुलिस हंगामा करने वालों से कैसे निपटने की तैयारी में, आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसिकर की रिपोर्ट, जिन्होंने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर NS मेघ्रिक से बातचीत की। सर, जिस प्रकार से हमने कल देखा, जिस प्रकार से वो इतना वायलेंस हुआ, तो क्या पुलिस क्यों कंटेन नहीं कर पाई सर वहाँ पे कल? ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है। ये वायलेंस अचानक हुआ था, घटना हिंसाचार अचानक हुआ था, बीच में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था और कुछ घटनाएं जो तमिलनाडु में हुई थी, एकाध छुटपुट घटनाएं, उनको लेके मीडिया में काफ़ी प्रचार हुआ था और उसकी वजह से ये हुआ है सब। और पुलिस को, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस तो मुस्तैद थी क्योंकि कल किसी तरह की वारदात होने की संभावना नहीं थी। हमें वारदात होने की संभावना बंद के दिन थी और उस दिन हमने पूरी मुस्तैदी से काम किया, इसलिए कुछ हुआ नहीं। जो भी जो एलिमेंट्स है सर, उनको क्या आपने हिरासत में लिया, कितने लोगों को हिरासत में लिया है सर? हम करीबन 350 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले चुके हैं और अभी भी जारी है। जहाँ भी जो दंगे फसाद जो किए इन्होंने हुआ है, ज़्यादातर गाड़ियाँ जलाई गई हैं और बाकी कोई किसी को और कोई दूसरा नुकसान नहीं हुआ है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रसाद भोसिकर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसाद, 135 साल पुराना ये विवाद, जिसमें चारों राज्यों के किसी भी मुख्यमंत्री ने पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई इसे सुलझाने के लिए, इतना तो तय है, जिसके बाद आज भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन पहली चीज, आज की स्थिति क्या है? दूसरी चीज, राजनाथ सिंह भी सीएम से बात कर चुके हैं, अब क्या इसे लेकर कोई बैठक होगी जहां पर चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे, कोई एक सोल्यूशन पे पहुंचेंगे जहां के बाद ये विवाद कुछ थमता हुआ दिखे, जहां ये हिंसक प्रदर्शन ना हो, शहर ना जले? सबसे पहले स्थिति के बारे में बताऊंगा। बेंगलोर में 16 पुलिस स्टेशन को अगर छोड़ दे जहां पर कर्फ्यू है, तो पूरे शहर में धारा 144 अभी भी लागू है, लेकिन जो बेंगलोर का पूरा शहर है, ज़्यादातर सुबह से बिल्कुल शांत है। कोई भी जो है घटना सुबह से सुनने में नहीं आई है। कुछ ही देर पहले हमने पुलिस कमिश्नर से भी बात की, उनका कहना है कि बिल्कुल कंट्रोल में है। और सबसे खास बात यह है कि आज बकरीद का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ज़्यादातर लोग जो है घरों के अंदर ही है। कुछ देर पहले हम लोग MG रोड और ब्रिगेड रोड, जो कि सबसे बिजिएस्ट इलाका है, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर भी आमतौर पर छुट्टी के दिन दुकानें खुली होती है या फिर चहल पहल होती है, वहाँ पर भी शांति देखने को मिली है। तो फिलहाल मैं जिस जगह पर ठहरा हूँ, ये मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का घर है और ख़ास बात यह है कि इसका नाम भी कावेरी है। तो कावेरी जो नाम है, कावेरी जो नदी है, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव इशू है दोनों राज्यों के लिए और ख़ास करके कर्नाटका के लिए, क्योंकि कर्नाटका का कहना है कि उनके लिए
पीने का पानी नहीं है कावेरी बेसिन में, वहीं तमिलनाडु चाहती है कि जो उनके स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसके लिए पानी दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ और एमपीस और जो दूसरे अधिकारी है खास करके इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ एक अलग बैठक हो रही है, दूसरी तरफ जो पुलिस के आला अधिकारी है उनके साथ भी जो है रिव्यू किया जा रहा है, ताकि जो भी एरियाज जो ट्रबलसम एरियाज है वहाँ पर स्थिति कैसी है और उसको कितना कैसे नियंत्रण में लाया जाए उस पर भी ध्यान हो रहा है। और जब तीसरी बात है मुख्यमंत्रियों के आपस में बात करने की, कल से हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो लेटर एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री कर्नाटका के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लेटर लिखते हैं और वहाँ के CM यहाँ पर लेटर लिखते हैं, दोनों ही अपने लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शांति बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब इसमें केंद्र सरकार ने भी कहा है, यूनियन होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो मदद चाहिए उनको वो ज़रूर देंगे। तो फिलहाल अभी जिस प्रकार की स्थिति कल थी वो आज बिल्कुल शांतपूर्ण है, यानी कि आज कुछ बेहतर हालात हैं, ये एक अच्छी बात है। हालांकि लेटर एक्सचेंज जरूर हो रहा है, राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है कि हर मुमकिन मदद की जाएगी, धारा 144 लागू है, साथ ही कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद पूरी जानकारी देने के लिए।